यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मंगलवार दोपहर जारी कर दिए। इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में करीब 90% बच्चे पास हुए हैं। आपको बता दें, इस साल की 10वीं की परीक्षा में सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने परीक्षा में टॉप किया है। प्रियांशी को 600 में से 590 अंक मिले हैं। वहीं महोबा जिले के चरखारी कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के चरखारी के सुरेंद्र जपरा के बेटे शुभ चपरा ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में टॉप कर चुके हैं। शुभ ने 500 में से 489 नंबर लाकर 97.80% अंकों से पूरे प्रदेश में टॉप किया। वहीं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में दूसरे स्थान पर सौरभ गंगवार, तीसरे स्थान पर अनामिका रही। टॉपर्स को स्कूल परिसर में फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। तो साल 2023 में कुल 98,95,745 उम्मीदवारों ने अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 32,46,780 लड़के थे और 26,38,965 लड़कियां थी। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा राज्य के 8,753 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बता दें कि 100 साल के बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतना जल्दी रिजल्ट जारी हुआ है। 30 साल में पहली बार बिना पेपर लीक की किसी घटना या पेपर कैंसिल की बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई।